शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने और आए दिन तेज गति से चलने वाले वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा 33 जिलों में स्पीड ट्रैकिंग गाड़ी दी गई। वहीं धार जिले को दी गई स्पीड ट्रैकिंग गाड़ी शनिवार को शहर आई और NH3 पर स्पीड ओवर स्पीड में आ रही गाड़ियों के चालान बनाए गए। वहीं स्पीड ट्रैकिंग गाड़ी और इसके लगे डिवाइस की कार्य करने की शैली को स्वयं CSP तरुणन सिंह बघेल ने मौके पर पहुंचकर समझा और जाना। जिला यातायात निरीक्षक ने मशीन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह मशीन ओवर स्पीड से आ रही गाड़ियों को 1 किलोमीटर दूर से चिन्हित कर देती है और उसका स्नैपशॉट के जरिए फोटो निकाल लिया जाता है। गाड़ी रुकने की दशा में गाड़ी की जानकारी अनुसार उन्हें नोटिस तलब किया जाएगा। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। कि पुलिस मुख्यालय की मंशा है कि धार जिला जो है हमारा वो प्रदेश में होने वाली दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में नंबर एक पे है। यहाँ पर प्रतिवर्ष लगभग 560 तक मृत्यु होती है, तो जिसमें दुर्घटना का एक मुख्य कारण जो है वो ओवर स्पीडिंग भी आ रहा है। तो ओवर स्पीडिंग को कम करने के लिए, दुर्घटनाओं की संख्याओं को कम करने के लिए, उनमें होने वाली मृत्यु की संख्याओं को कम करने के लिए ये इंटरसेप्टर व्हीकल मिला है, जिसमें एक स्पीड रडार गन लगी है जो स्नैपशॉट के द्वारा उनकी स्पीड को कैप्चर कर लेती है, गाड़ी के नंबर को कैप्चर कर लेती है, जिसके आधार पर चालान जारी किया जाता है। जी, जिले में क्या ये सभी तहसीलों में इस तरह की मशीनरी है या फिर ये पहली? ये पुलिस मुख्यालय से ये 33 जिलों में दी गई, अभी सभी जिलों में नहीं दी गई है, जिसमें धार भी एक सम्मिलित है। 6-7 दिन पहले ये आई है, इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। कल भी हमने मनावर में चालान किए हैं, सरदारपुर में चालान किए और आज आपके यहाँ सामने आप 5 चालान कर चुके हैं, बाकी कार्रवाई चालू है। और अलग अलग हाईवे पे इसका स्पीड का जो पैमाना होगा वो अलग अलग होगा? हाँ जी हाँ, अलग अलग स्टेट हाईवे पे इसका पैमाना अलग अलग है। नेशनल हाईवे का अलग है, व्हीकल के हिसाब से अलग है, उनकी सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से अलग है, जिसका बजट नोटिफिकेशन निकला हुआ है। इसके अतिरिक्त जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स हैं उसके आधार पर हमने संबंधित रोड एजेंसी को चिट्ठी लिख दी है कि उनके DPR में जिस प्रकार से रोड की जो गति है, जैसे शार्प कर्व है तो वहाँ कितनी गति होना चाहिए, वहाँ संकेतक लगे हैं कि नहीं लगे हैं, इस बारे में हमने उनसे पत्राचार कर लिया है। जैसे उसकी जानकारी आ जाएगी तो उनका भी भौतिक सत्यापन कर उस आधार पर, उनके जो इंजीनियरिंग फॉल्ट उस आधार पर चालानी कार्रवाई। आप जहाँ खड़े हैं कौन सा हाईवे? ये नेशनल हाईवे 3 है। अच्छा, कितने चालानी कार्रवाई? अभी 5 चालान काट दिए हैं, जिसमें जुर्माना राशि 5,000 रुपये हो गई है और इसकी स्पीड जो है गजट के हिसाब से 100 है, लेकिन जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि सामने कर्व है तो वहाँ स्पीड 50 या 40 होनी चाहिए, उसका एक इंजीनियरिंग उनका नॉर्म्स है, उस कर्व की जानकारी लेके यथाशीघ्र इन पे भी हम अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। तब स्पीड से ज़्यादा चलने के बाद वाहन जब आपके मशीन से लगता है कि ज़्यादा जा रहा है तो वो कभी स्पोर्ट पे कभी नहीं रुका जो वाहन, तो आगे फिर उसका क्या प्रक्रिया, किस प्रकार से नोटिस? अगर वाहन नहीं रुकेगा तो उसकी नोटिस तामील की जाएगी, क्योंकि रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा, जैसा कि आपको अभी दिखाया गया था वैसा प्रिंटआउट होगा, उस प्रिंटआउट के आधार पर हम उनको नोटिस तामील कराएंगे। अगर वो आके उसका चालान अदा करेंगे तो ठीक है, नहीं तो उसको कोर्ट में पुट किया जाएगा। आपका नाम और पता? मैं योगेंद्र सिंह भाटी, यातायात निरीक्षक जिला धार। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि एक हफ्ते में एक बार या दो बार यहाँ पर बुलाएं और इस तरह से गाड़ियों की स्पीड कंट्रोल करके चालान बनाएं। जो शहर की मुख्य व्यवस्था है उसके लिए अगले एक दो दिन में हम लगातार पॉइंट लगाएंगे दिन में, जिससे कि ट्रैफिक कंट्रोल रहे और जो सिग्नल हैं ट्रैफिक सिग्नल उसके लिए भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो तो जल्दी पीथमपुर कस्बे में 3 या 4 जगह जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा रहता है तो वहाँ सिग्नल लगाए जाएंगे। आपका नाम? लोकेश सिंह मधुरिया, थाना प्रभारी सेक्टर 1 पीथमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।